इस वक्त हम बोकारो के भंगा बाजार में हैं। पिछले दिनों जमीन से संबंधित एक वीडियो आप लोगों को हमने दिखाया था। आज उस जमीन पे क्या स्थिति है हम समझेंगे। हमारे साथ में गोवर्धन दास जी हैं। जी गोवर्धन जी, 24 तारीख को क्या हुआ था जहाँ पे आप लोगों की जमीन है वहाँ पे? 24 तारीख को सर हम सब मैंने वहाँ पर अपना घर का सामने ही में आगे था पर थे और देख रहे हैं, तो मैंने दो गो टेम्पू में हमारा गांव होके पार होके कुछ आगे चले गए और तीन गो बाइक में भी तीन तीन आदमी बैठे थे, वो सब थोड़ा सा आगे बढ़ गए और एक टेम्पू फिर उस रोड से आकर के पहुँचे। तीनों टेम्पू खड़ा हो गई और तीनों बाइक, और वो सब 10 मिनट के बाद में गाली देते हुए आने लगे, मदर चोर सबको आज गोली मार देंगे, तो उसी घर में उस सबको जला के राख कर देंगे। अभी उस सबको इतना मारेंगे जब उस सबको पूरा एकदम जला के राख कर देंगे। इसके बाद में हम सबको मारे, तीनों भाई को मार करके हम सबको गिरा दिए और गिराने के बाद में घर में मेरा माचिस मार दिए और वहाँ पर साइकिल का ट्यूब था, उसी आग में साइकिल का ट्यूब को मैंने जला करके फेंक दिए घर में। पूरा घर जल के राख हो गया और घर का सारे सामान जल के राख हो गया। और हमारा लड़का सब थाना प्रभारी को फोन किए तो आधा घंटा के अंदर में थाना प्रभारी जब पहुँचे तो उन्हें वीडियो किए, घर जल रहा था, उसका लहर पूरा एकदम वीडियो में आया। आप लोग के साथ में मारपीट हुई तो आप लोगों पुलिस इंजरी काट के दी, थाना ये अस्पताल लेके गए? अस्पताल, हाँ अस्पताल हम सबको तीनों भाई को लेकर के गए, ले जाके वहाँ पर सुया और दवा दिलवाई और उन्हें बोले कि जो ठीक है सब जो जो था उस सबका नाम लिख करके। कौन था जरा? अली मोहम्मद पिता अकलू मोहम्मद, कलाम मोहम्मद पिता अली मोहम्मद, भिखू मोहम्मद पिता अली मोहम्मद। 10 लोगों का नाम बताया पुलिस को? हाँ। और एक बात बताइए, पुलिस क्या बोली कि क्या हुआ जमीन में, क्या कार्रवाई करें? एक मिनट सर, बड़ा बाबू बोले कि जो आपका जमीन में 44 लगाएंगे और अभी तक मेरा घर जो जला के माफिया सब चले गए हैं और घर का सारे सामान जल के राख हो गए हैं, अभी तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुए, कार्रवाई करने का कृपया किया जाए। तो ये समझ सकते हैं कि ये लोग बोलने में भी किस तरह घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की ज़मीन है, द्वितीय पक्ष के पास में क्या है क्या नहीं है ये बात मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, लेकिन फिलहाल उनसे भी हम संपर्क करेंगे। लेकिन अगर इन लोगों की बात सच है तो समझिए कि ये लोग अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं, जिनकी बात मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और पुलिस जो है कि आश्वासन दे रही है कि हम इस पे 44 लगाएंगे, फैसले के लिए SDO कोर्ट भेजेंगे मामला को। तो ये दुर्भाग्य है हमारे गांव देहात में। आपका क्या नाम हुआ? सनातन पाल, हमारा समस्या है, हम 1993 में एक जमीन लिए थे राखहरी भट्टाचार्य से और मृत्युंजय भट्टाचार्य से, तो हम अपना 30 साल से खेती करके आ रहे हैं, उसमें हमारा कोई दबाव नहीं किया है। ये अचानक बैसाख महीना में रोजा का 2 रोज पहले, हमारा उतना तारीख मालूम नहीं है, 2 रोज पहले अचानक दिन दोपहर में हम सूत हुए हैं खा पी करके, तो उन लोग का किया जो आयुब अंसारी में जो 2 गो ट्रैक्टर में बाली एक तरफ से, पानी एक तरफ से और टेंकर एक तरफ से और VCP एक तरफ से चारों घेर करके कम से कम उसका साथ में ढेर से आदमी लेके आया, तो हमको खबर मिला ये तुम्हारा जमीन में दीवाल पड़ रहा है तो क्या कर रहा है। तो हम दौड़ के गए, हाथ में मेरा एक टांगा था, वो तो पहले रोड में हमको छीन लिया, तो बोला ये जमीन हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम तो भाई दौड़ के चल आया घर, हमारा एक लड़का हम जाने नहीं दिए, हमारा लड़का को मारने का चक्कर में आया था उन लोग, तो हम लड़का को बंद कर दिया। तो दौड़ करके एक दूसरा को मोटरसाइकिल लेकर के थाना गया, तो थाना में अंकित पांडे बोला जा कुछ सुनवाई नहीं होगा, अभी समय नहीं है, आया नहीं सुनवाई नहीं हुआ। तो हम आवेदन दिया उसका दूसरा रोज, तो हमारा आवेदन लिया नहीं, लेने के बाद में तो हम जिसको साथ में जमीन खरीदा है उसको हुआ हम गया, तो वो हमको उल्टा सीधा बात बता दिया,
उल्टा सीधा बात बता दिया तो हम क्या करेगा, हमारा भाई बेच दिया तो हम क्या करेगा। तो हम गरीब आदमी है, मूर्ख आदमी, हम नहीं जानते हैं लेखा पढ़ा कमार में हर कागज में हम साइन ठेपा मारते हैं, तो वो जो हमको बेच दिया था अभी हम कहाँ जाएं। इस तरह की समस्या अगर हमारे देश में आते रहे, इनकी बात से को मैं बता दे रहा हूँ कि इन्होंने जो जिस व्यक्ति से डीड बनाया उस व्यक्ति ने भाई की जमीन इनको बेच दी। जब ये 30 साल तक ये खेतीबाड़ी करते रहे, अचानक इनका कहना है, अब मैं तो देखने नहीं गया कि ये खेती कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन खेतीबाड़ी करते रहे, अचानक सा कुछ लोग आते हैं और इनके जमीन पे, शांति से रहिएगा, कुछ लोग आते हैं और ये कहते हैं कि भैया ये जमीन हमारी है, अब तुम यहाँ से हटो। जब ये जिसे खरीदा उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हमारे ये गलत डीड हमसे बन गया। तो समझिए कि 30 साल से अगर ये इनकी बात सच है तो 30 साल से अगर ये खेती करते आ रहे हैं और उस पर जोत कोड़ करते आ रहे हैं, उस वक्त जिन्होंने बेचा उसका भाई कहाँ था, ये सवाल बनता है। लेकिन ये बेचारा अब क्या करेगा, एक एक दाना जुगाड़ करके निहायत गरीब इंसान जिन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी अपने नाम की और इनका ये हालत है। तो कुल मिला के समझ सकते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं ज़मीन पे अटैक हो रहा है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग ना समझ हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, उसको दबाने का प्रयास कहीं ना कहीं दिख रहा है। और इस तरह की आखिर ज़मीन माफिया सक्रिय क्यों होते जा रहे हैं हर गांव में? हर गांव में कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, निहायत गरीब है, तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि इनकी ज़मीन को किसी तरह हड़पना है। और इसको लेकर अगर सरकार कड़े कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी घटना हो सकती है, कई लोगों की जान तक जा सकती है। क्योंकि बहुत आसान है ज़मीन का धंधा करके पैसा कमाना, करोड़पति बनना, लेकिन मेहनत से नहीं। किसी निहायत गरीब तड़पता रहें, बिलखता रहें और उसकी ज़मीन ले लो, उसको छोड़ दो, दरकिनार कर दो, उनके सारे पेपर हैं, कागजात हैं। अब बताइए कि ये आदमी क्या करेगा? जिससे खरीदा उनके पास गया, बताया कि भैया हम तो गलत लिख दिए हैं, जो पैसा बनता है वो पैसा आप वापस ले लो, ऐसा बोला है क्या? ऐसे बोला है, बोला हमारा जितना पैसा होता है पैसा हमसे ले लीजिए। इसका पहले जब वो मास्टर में था, डिप्टी में, उस समय में हमको बोला जे देखो तू केस में आगे मत बढ़ो, तुमको हम जगह बढ़िया जगह कर देगा। और अभी वो हमको जाके उसको हमको गाली गुप्ता भी करता है, अपना परिवार को दोनों आदमी किया था सदनपुर, मगर गाली गुप्ता भी कर दिया है। लीजिए मास्टर है, दोनों भाई मास्टर है, हेड मास्टर है, और हम बाबा देखिए डर से गया यहाँ क्या बोलते हैं SDO कोर्ट, तो कोर्ट तो बंद ही था 3 रोज, तो जा करके उसका पैर में पड़ दिया चैम्बर में, वहाँ जब डिप्टी में आया तब पैर में पड़ दिया, बोले ठीक है रोक लगा देगा, तो ही मतलब कोर्ट में SDO कोर्ट में रेट लगा दिया। तो हमको दो चार आदमी लोग बोला का ये तो खो ये केस में कुछ नहीं होगा, तो दूसरा केस करो, तो उसका ऊपर में हम 420 केस लगाया है, मगर हमारा कुछ सुनवाई नहीं होता है, जो उसमें हम कहीं चार कहीं ये जो इनके जो इनका जो विवाद है ये कोर्ट में विचाराधीन है, विचार हो रहा है और देखिए क्या डिसीजन आता है किनके पक्ष में, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो गोवर्धन दास जी है, आप बताइए कि जमीन आप आपके पिताजी ने किससे खरीदा? हमारा पिताजी ने हमारा गांव का माने जाधव जी गोवर लोग बेच दिए थे सतनपुर का ठाकुर को, गदाधर पद्धा बेनार जी को, गदाधर पद्धा बेनार जी से हमारा पिताजी खरीदे हैं 35-36 साल पहले। उस जमीन में हम सब खेती करते आए, अभी तक ही आ रहे हैं खेती करते हैं उस जमीन में। उस जमीन को हमारा माँ का श्राद्ध में बंधक दिए हैं जगदीश दास को, 8,000 रुपया में बंधक दिए हैं, डीड देख करके जगदीश दास अभी भी बंधक में ही है, अभी भी बंधक में ही है, जगदीश दास ने बंधक लिए हैं। तो जो उचित कार्रवाई बनती है, उचित न्याय बनता है, प्रशासन को छोड़िए, पुलिस को छोड़िए, गांव के लोग कहाँ हैं ये पूछना है कि गाँव के लोग मर गए हैं क्या? अगर हर गांव में अगर इस तरह जमीन पर हमला होता रहे तो फिर क्या होगा गरीबों का? इसीलिए अगर आपके बगल में कहीं अन्याय होता है तो बिल्कुल आप उसके
विरोध कीजिए, अन्यथा आप अगली बारी आपकी है। आज इनके साथ में घटना है, कल इनके साथ में, परसों और किसी के साथ में, नर्सों और किसी के साथ में, इस तरह घटना बढ़ती जाएगी। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। लेते हैं विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।